So student, we are discussing with the basic revision topics. That topic is trigonometry, basic revision. ठीक है? So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं trigonometry का जो जो अभी सब तो नहीं कवर कर सकता लेकिन जो जो important है और useful होगा आपके maths के लिए हम लोग use करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं start करते हैं. आपको तो पता है trigo में total six terms होता है. Sine, cos, tan, cot, cosec एंड sec, ये टोटल सिक्स है. उसके हिसाब से सबसे पहले तीन फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं. पहले आइडेंटिटी यूज करता हूं. आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. क्या फर्स्ट आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. अभी मैंने यहां पे जो एंगल है वो थीटा लिया है. आप वहां पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो. वहां पे x आ गया तो sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x is equal to 1. तो एंगल सेम होना चाहिए. तो वहां पे कुछ भी रहेगा, सब sin स्क्वायर थीटा / 2 plus cos स्क्वायर थीटा / 2 होना चाहिए. तो एंगल सेम होगा और दोनों का पावर रहेगा 2 और एडिशन किया तो कितना आंसर होगा 1. वैसे ही सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी है 1 plus tan स्क्वायर थीटा is equal to sec स्क्वायर थीटा. ये एक सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड आइडेंटिटी है. एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये एक आइडेंटिटी है. सो अगर स्क्वायर में रहेगा तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. यहाँ पे यूज ज्यादा नहीं है इसका लेकिन पता रहना चाहिए आपको. आपको इसका कंपाउंड, इसको कंपाउंड कंपाउंड एंगल बोल सकते हम लोग. कंपाउंड एंगल, दिस इज ए बी कंपाउंड एंगल. ठीक है, इसमें क्या देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos a into sin b. क्या फॉर्मूला? sin a plus b का फॉर्मूला एक्सपेंशन कंपाउंड एंगल. एंगल क्यों कॉल करते हैं? a plus b कंपाउंड हो गया ना, तो दैट इज कंपाउंड एंगल. तो sin a into cos b plus cos a into sin b. देन sin a minus b अगर रहेगा तो हम लोग लेंगे sin a into cos b minus cos a into sin b. ये फॉर्मूला हो गया, सेम फॉर्मूला. यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है. साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी. ए बी बोथ आर डिफरेंट एंगल्स. देन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी. दोनों सेम लेना आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. ओके, यहाँ पे कॉस कॉस, यहाँ पे साइन साइन, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस. यहाँ पे क्या होगा? माइनस. उल्टा ध्यान में रखना आपको, कॉस के लिए यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस, और साइन के लिए सेम सिंबल लेना आपको. देन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. क्लियर है? देन अभी आपको क्या करना है, ये हो गया आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए कभी तो. इसका 1% चांस है, 1% अगर एग्जाम में आ गया तो वो प्रॉब्लम होगा आपको, इसलिए पता होना चाहिए. देन कंपाउंड के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. देखा जाए तो एक फैक्टराइजेशन पैटर्न भी है लेकिन मैं फैक्टराइजेशन नहीं कवर कर रहा क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होता उसका. मेन फॉर्मूला आपको डी फैक्टराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके मैथ्स के लिए मैक्सिमम जगह पे यूज होने वाला है फॉर्मूला. तो क्या फॉर्मूला देखो, हियर 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, एंड लास्ट 2 साइन ए इंटू साइन बी. ये चार फॉर्मूलाज आपको भाग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक से देखो कैसे भाग करना है. एक्चुअली ये फॉर्मूलाज कहां से डिराइव हो गया, तो ये चार फॉर्मूले से डिराइव हो गया. ठीक है, तो
कैसा है मैं बता दूं आपको, पहले फॉर्मूला बता दो देन हम लोग डिस्कस करते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी का आंसर आपको ध्यान रखना है, यहां पे आएगा साइन ए प्लस बी और यहां पे होगा साइन ए माइनस बी। साइन ए इंटू कॉस बी के लिए, कॉस ए इंटू साइन बी के लिए सेम, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहां पे प्लस लेना है यहां पे माइनस लेना है, ठीक है। देन कॉस ए इंटू कॉस बी का आंसर होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड हियर साइन ए इंटू साइन बी के लिए कॉस ए माइनस बी, पहले माइनस ले रहा हूं मैं, माइनस कॉस ए प्लस बी। कुछ लोग क्या करते हैं, ये पहले लिखते हैं कॉस ए प्लस बी तो माइनस यहां पे आएगा, अगर कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस ए प्लस बी का टर्म नेगेटिव और कॉस ए माइनस बी का टर्म पॉजिटिव, बस इतना ऐसा इंपॉर्टेंट है। अभी चेक करते जरा ये आया कैसे एग्जैक्टली, साइन ए प्लस बी देखो यहाँ पे ना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी यहाँ पे दोनों को ऐड किया आपने, तो क्या होगा, दोनों को ऐड किया तो ये सेम टर्म है दोनों, प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बचेगा, दोनों का एडिशन होगा टू साइन ए कॉस बी, ओके टू साइन ए कॉस बी, क्लियर है। देन सब्सट्रैक्ट किया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव का होगा पॉजिटिव, सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों का टोटल होगा टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, सेम कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये दोनों को ऐड किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका डबल होगा टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। एंड अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया मतलब कॉस ए माइनस बी, इससे ये माइनस किया आपने तो ये माइनस का टर्म पॉजिटिव होगा और एक कट हो जाएगा तो ये दोनों का डबल होगा, क्लियर है। ये हो गया कैसे फॉर्म हो गया, लेकिन आपको आइडेंटिफाई मतलब बाहर कैसे करना, देखो टू साइन ए कॉस बी, साइन कॉस दोनों डिफरेंट है, कॉस साइन दोनों डिफरेंट है, कॉस कॉस सेम है, साइन साइन सेम है, तो ये दो डिफरेंट ट्रिगो फंक्शन है और ये दो ट्रिगो सेम फंक्शन है, तो डिफरेंट फंक्शन रहेगा तो आंसर साइन साइन में आएगा, क्या आएगा साइन साइन में, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन से स्टार्ट हो रहा है प्लस कॉस से स्टार्ट हो रहा है माइनस, ये उसका हिंट मैं बता रहा हूं, मेरे साइड मेरे मेरे हिसाब से बता रहा हूं, दोनों डिफरेंट है तो साइन साइन से लेना है, हो गया, और दोनों सेम है कॉस कॉस और साइन साइन दोनों सेम है तो कॉस कॉस का आंसर लेना आपको, ओके। एंड ए प्लस बी ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पे लास्ट वाला जो साइन ए इंटू साइन बी का है वहां पे ए माइनस बी पहले लेना है और ए प्लस बी बाद में लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे फाइट करना है। अभी मैं इसका थोड़ा सा अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग, देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये कभी नॉर्मल यूज होता है मालूम है, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट दोनों अगर मल्टीप्लाई में रहेगा ट्रिगो तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम होता है वहां पे, तो दैट टाइम आप लोग क्या करोगे इसको सेपरेट करने के लिए, देखो ना दो इनटू का फंक्शंस था वो दोनों सेपरेट हो गया प्लस और माइनस से, तो तब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आ गया वहां पे साइन 3t इनटू cos 2t, ऐसा है दोनों इनटू में, अभी t इज अ वेरिएबल, यहां पे a b लिया आपने, ऊपर थीटा लिया, यहां पे थीटा लिया, x ले सकते हैं कुछ लोग, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप लोग, तो मैंने t लिया तो साइन 3t इनटू कॉस 2t ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आपको इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहले साइन है बाद में कॉस है, तो पहले साइन है बाद में कॉस है, 2 चाहिए था 2 नहीं है तो ये 2 वहां पे गया तो 1 / 2 होगा, तो इसका फॉर्म होगा 1 / 2 ब्रैकेट, पहले 2 शिफ्ट किया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए मीन्स यहाँ पे 3t प्लस 2t एंड माइनस प्लस साइन 3t माइनस 2t, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया, देन हाफ ब्रैकेट साइन कितना हो गया पे 5t प्लस साइन t, क्लियर है, ये हो गया आपका यूज उसका, ये फर्स्ट फॉर्मूला का। और एक देखते हैं और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे सब यहां पे है cos cos 5t into cos 2t, ठीक है, ये कौन से पैटर्न में आ गया, मुझे बताओ, cos and cos, तो cos into cos, तो मैंने क्या बताया दोनों सेम रहेगा तो आंसर आपको cos cos में लेना है, sin sin भी रहेगा तो भी cos cos में लेना है,
तो क्या होगा आंसर इसका, देखो यहाँ पे टू एक नहीं है तो वो टू आप लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा हियर, वन बाई टू ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो यहाँ पे है ना फॉर्मूला कॉस इंटू कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बाहर तो करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो ए मीन्स 5t, बी इज 2t, 5t माइनस 2t, सो फाइनली आपको क्या मिल गया हाफ ब्रैकेट कॉस 7t प्लस कॉस 3t, क्लियर है। नेक्स्ट सपोज अगर आ गया साइन 2t इंटू साइन 3t, अगर ऐसा आ गया सपोज 2t इंटू साइन 3t, तो ये हो गया ना पैटर्न आपका। तो इसके लिए फॉर्मूला करें, ये 2 पहले शिफ्ट करो आप लोग, इट्स 1 by 2 ब्रैकेट cos माइनस cos, और यहां पे क्या होगा पहले नेगेटिव है देन पॉजिटिव, मतलब a माइनस b एंड a प्लस b, a का वैल्यू क्या है 2t एंड 3t बराबर है, देन अगेन 2t प्लस 3t, ओके देन क्या करोगे आप लोग हाफ ब्रैकेट कितना होगा cos 2t माइनस 3t, 2t माइनस 3t कितना होगा इट्स माइनस t, माइनस cos 2t प्लस 3t 5t, क्लियर है। लेकिन ये माइनस का क्या करोगे cos माइनस थीटा होता है प्लस थीटा, मतलब वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा cos का, लेकिन sin माइनस थीटा प्लस नहीं होता है वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और एक बाकी है सेकंड वाला वो भी कर लेता, चलो क्या है वो पहले cos cos 3t into cos sin 4t, मैंने चलो ये ले लिया, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो अप्लाई कैसे करोगे 2 शिफ्ट करोगे 1 by 2 ब्रैकेट क्या है sin a plus b, मतलब ये दोनों का एडिशन 3t plus 4t, 3t plus 4t minus q minus, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला माइनस है sin a minus b sin 3t minus 4t, सो कितना होगा मुझे बताओ हाफ साइन 3t plus 4t is 7t minus साइन 3t minus 4t कितना होगा 3t minus 4t इट्स माइनस 1t, हो गया। और ये माइनस साइन का रूल क्या होता है माइनस टर्म बाहर आता है, सो फाइनल आपको आंसर मिलेगा हाफ साइन 7t माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन t, क्लियर है। तो ये चारों फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बताया, इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय प्लस और माइनस, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जगह पे यूज होगा, कहां पे यूज होगा नॉर्मली इंटीग्रेशन में लैपलास में आपको यूज होगा, ठीक है। सो मैं रफ कर देता हूं ये, देन अब हम लोग इसके आगे का ट्रिक को देखते हैं। सो क्या क्या हो गया मुझे बताओ, आइडेंटिटी हो गया, साइन स्क्वायर देन कंपाउंड एंगल हो गया, कंपाउंड एंगल जस्ट रेफरेंस के लिए दिया मैंने, ये फॉर्मूला कैसा आ गया उसके लिए, और इसका चांसेस बहुत लो है, लेकिन इसका चांसेस 50% टू 70% चांस है, ठीक है। अभी हो गया डी फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन पे फॉर्मूला है लेकिन ज्यादा उसका यूज नहीं, तो वो मैं यूज नहीं करता। देन आपके पास है मल्टीपल एंगल्स, आपके पास फॉर्मूलाज है मल्टीपल एंगल्स, ओके मल्टीपल एंगल मैं आप लिखता हूं डी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, ठीक है। ये फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल मींस व्हाट, सपोज यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं, साइन 2 थीटा, मैं थीटा ले रहा हूं यहां पे, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, मतलब मल्टीपल एंगल मतलब ये 2 थीटा है ना, तो थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल एंगल, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। इसी का फॉर्मूला आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो सब मल्टीपल एंगल में, दैट इज साइन थीटा रहेगा, यहां पे 2 थीटा था इसका एंगल हाफ हो गया, थीटा थीटा हो गया, 2 थीटा का आधा हो गया, लेकिन साइन थीटा रहेगा तो अभी आप क्या करोगे, तो वहां पे सेम फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2। कभी कभी क्या होता है रिक्वायरमेंट में आपको एंगल हाफ एंगल रिक्वायर्ड होता है थीटा बाय 2, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके ये ध्यान में रखो इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड
कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में देखो थोड़ा सा सिमिलरिटी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया तो टोटल वन होता है, ठीक है, ये हो गया उसका पैटर्न। सेम अगर यहाँ पे आप अगर यूज करोगे सब मल्टीपल में तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा का आंसर क्या होगा, यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया ना, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, उसका हाफ एंगल, क्या करो उसका हाफ एंगल, सपोज मुझे होता है यहाँ पे फोर थीटा रहेगा कॉस फोर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टू थीटा हाफ एंगल क्या होगा टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, तो हाफ एंगल लो, सपोज यहाँ पे टेन थीटा रहेगा तो यहाँ पे फाइव थीटा फाइव थीटा, समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। देन अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मैं कुछ फॉर्मूलाज बता दूं आपको, अभी इसके बाद साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा भी है लेकिन वो अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका उतना यूज नहीं है, उसके ऊपर एक डिपेंडेंट है वो बता दूं मैं आपको, ठीक है, ओके। देन अभी हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, इसमें कॉस साइन क्या कर लो कॉस थ्री टी साइन थ्री टी भी है लेकिन वो यूज नहीं कर रहा, उसके रिलेटेड देखता हूँ मैं, ये एंगल जो है इसका कुछ फॉर्मूला से देखो, फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर में आता है ये यूज कहां पे होगा, इंटीग्रेशन में के यूज होगा, कॉस स्क्वायर को आपका पावर जो है 2 वो रिमूव करना हो, क्या करना हो रिमूव करना है, तो आप लोग क्या करोगे इसको कन्वर्ट करोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सो यहां पे जो एंगल रहेगा उसका एक डबल एंगल होगा, उसका क्या होगा ये डबल एंगल होगा, ठीक है। देन सिमिलरली ऐसे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर, अगर साइन स्क्वायर में आ गया तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए होगा, ये एक्चुअली फॉर्मूला यहाँ से ही आ गया है, डिराइव किया है वो, अभी मैं ये और ये एडिट ये दोनों को यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर है जो उसको आपको अगर यूज करना है इंटीग्रेशन में तो स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हम लोग, तो उसको आपका पावर रिड्यूस करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वैसे ही साइन स्क्वायर अगर आता है इंटीग्रेशन में लाप्लास में तो आप क्या करोगे उसको कन्वर्ट करोगे, दैट कन्वर्जन इज सेम फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, दोनों में क्या चेंजेस है मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 है 1 है, यहां पे प्लस है वहां पे माइनस है, और ये ध्यान में रखो यहां पे जो एंगल रहेगा उसका डबल एंगल लेना आपको, सब यहां पे 2t रहेगा तो यहां पे 4t लो, यहां पे 3t रहेगा तो 6t लो, यहां पे t रहेगा तो 2t लो, क्लियर, सेम वहां पे भी, ओके। वैसे ही अगर वहां पे आ गया क्वेश्चन cos cos क्यूब थीटा और यहां पे आ गया sin क्यूब थीटा, अगर ऐसा आ गया तो उसको क्या करोगे आप लोग, उसका कन्वर्जन होगा 3 cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा cos 3 थीटा अपॉन 4, तो एक्चुअली मैंने आपको जस्ट इसके रिलेटेड बताया ना कि cos थीटा का एक फार्मूला होता है, तो उसी के हिसाब से cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू ये 4 यहां पे गया और ये 3 cos थीटा शिफ्ट होगा, मतलब क्या होगा 4 cos क्यूब थीटा और ये शिफ्ट किया तो माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा का फार्मूला हो गया, उसी से फॉर्म किया ये, लेकिन वो मैंने नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होगा, आपको ये यूज होगा मैथ 3 के लिए, सो इसलिए बोल दीजिए मैंने, वैसे ही साइन थीटा से साइन क्यूब का आंसर मिलेगा, इसका आंसर होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, दोनों देखो सेम है लेकिन ये ध्यान में रखो कॉस क्यूब के टर्म में सब से जो भी टर्म आएगा वो कॉस का आएगा और साइन क्यूब के टर्म में जो भी टर्म आएगा वो साइन का आएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉस थीटा है वहां पे साइन थीटा है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस, cos 3 थीटा sin 3 थीटा अपॉन 4 अपॉन 4, नंबर सेम है सिर्फ यहां पे प्लस है वहां पे माइनस और cos के टर्म में cos sin के टर्म में sin, कभी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री ये आपको कभी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसका पावर में है तो उसको पावर रिड्यूस करना है, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन में हम लोग करते हैं नहीं तो लैपलास में करते हैं, इंटीग्रेशन रिलेटेड जितना भी पार्ट है वहां पे वो यूज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इनवर्स फंक्शन, कुछ इनवर्स फंक्शन में देखो हियर tan inverse of x plus tan inverse of y, अभी यहाँ पे वेरिएबल कुछ नंबर्स होगा one x and y,
तो उसका होगा डायरेक्टली वन ही होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, और दूसरा फॉर्मूला भी ये करता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे क्या है प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई, क्लियर है, ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो थोड़ा सा यूज करके बता दो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 3, ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, ओके, तो दोनों का आपको एक अगर कंबाइंड tan इनवर्स करना, तो आप ये फॉर्मूला ऊपर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर माइनस आ गया तो नीचे का यूज करोगे, तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ये दिस इज x दिस इज y, तो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 1 बाई 3 इंटू 2 बाई 3, ओके, देन नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग tan इनवर्स ऑफ जो भी अलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये 3 3 कॉमन होगा, ऊपर 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 होगा, 3 अपॉन 3 1, न्यूमरेटर में 1 बच गया, ये 1 इंटू 2 2 अपॉन 9, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस 2 इज 7 अपॉन 9, वो आप चेक करो, 9 ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 9/7, ऐसा कुछ तो आंसर मिलेगा। वो अलजेब्रा है उसको ज्यादा डिस्कस मत करते, नहीं करते हम लोग, लेकिन आपको कैसे अप्लाई करना है समझ में आ रहा है। वैसे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, उतना ही चेंजेस है, तो ये हो गया उसका बेसिक एप्लीकेशन। देन और कुछ है इसमें तो देखते हैं, हाँ ये आपको पता होना चाहिए, इसमें अगर देखा जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहेगा, तो ये साइन साइन गेट कैंसिल बचेगा, सिर्फ एक्स, क्या बचेगा सिर्फ एक्स, ठीक है, तो ये वैसे ही सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रहेगा, तो ये बचेगा एक्स, जो भी एंगल है, समझ, यहां पर रहेगा 5x, तो यहां पर आएगा 5x, क्लियर है। वाइस वर्सा, अगर कॉस बाहर है और इनवर्स अंदर है तो भी वही होगा। नेक्स्ट, तो ये इनवर्स का जो शॉर्ट ले, वैसे टैन इनवर्स का, टैन इनवर्स ऑफ टैन कैंसिल हो जाता है, बचा हुआ टर्म लेते हैं हम लोग, तो सब नहीं लिख के दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख के दे रहा हूं मैं। देन नेक्स्ट, इसमें अभी कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सपोनेंशियल, हम लोग ट्रिगो क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हियर साइन ए एक्स रहेगा, सपोज साइन ए एक्स, और मुझे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, ई रेज टू, ये ए एक्स है ना एंगल, तो आई ए एक्स, आई इज द इमेजिनरी नंबर, आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, क्या होता है आई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, इट्स एन इमेजिनरी नंबर क्योंकि माइनस वन का रूट नहीं होता है कैलकुलेट, तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर आप देखोगे आई स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, बचेगा माइनस वन, ओके, तो उसके हिसाब से वो आई, चलो इसका भी वैल्यू बता देता हूं, आई क्यूब करोगे, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई, क्यों, क्योंकि आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, आई का वैल्यू आई हो गया, आई रेज टू फोर का वैल्यू होता है वन, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है, उसका स्क्वायर किया तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, तो बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, अभी इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था साइन ए एक्स का, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो साइन ए एक्स, ये एंगल है ए एक्स, तो ई रेज टू आई ए एक्स माइनस ई रेज टू माइनस आई ए एक्स अपॉन टू आई, ये उसका कन्वर्जन है, ठीक है, यही अगर फॉर्मूला कॉस का होता, कॉस ए एक्स का, तो ई रेज टू आई ए एक्स प्लस e raise to minus i a x upon 2, क्या दोनों में डिफरेंस में जाता हूं, अगर sin a x एंगल रहेगा तो e raise to i a x minus, यहाँ पे minus है यहाँ पे plus है, e raise to minus i a x यहाँ पे भी सेम है, upon 2i यहाँ पे, upon 2a यहाँ पे, बस इतना इस फर्क है, यहाँ पे minus है यहाँ पे plus है, cos के लिए plus, sin के लिए minus, और sin के लिए i लेना पड़ता है, ये था trigo का टर्म। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ जो आपको यूज होने वाला है,
हाइपरबोलिक साइन एच ए एक्स, ये हाइपरबोलिक टर्म होता है। अभी आप बोलोगे हाइपरबोलिक क्या होता है, जस्ट बता दो मैं आपको। सपोज साइन अंदर आई एच आई ए एक्स आ गया, क्या गया साइन आई एक्स, तो वो आई हम लोग शिफ्ट करते हैं यहां पे बाहर और यहां पे लिखते हैं एच, क्या लिखते हैं एच, वो हो गया एच ए एक्स। एंड कॉस में भी वैसे ही है, लेकिन कॉस में कॉस आई ए एक्स आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कॉस एच ए एक्स लिखते हैं वहां पे, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर एंगल में आ गया तो हाइपरबोलिक हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन इसमें आई बाहर नहीं आता, साइन में आई का टर्म बाहर लेते हैं वो हाइपरबोलिक होता है। उसको ज्यादा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, लेकिन ये अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए ये बता रहा हूं आपको मैं। तो साइन एच एक्स और साइन एक्स में डिफरेंस क्या है, ये हाइपरबोलिक है, ट्रिक है। तो अगर ऐसा होता है इसका एक्सपांशन करना है तो e raise to ax लेना, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे i नहीं लेते हम लोग, माइनस e raise to minus ax upon 2, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ट्रिगो के लिए i का टर्म आता है यहाँ पे और हाइपरबोलिक के लिए i नहीं लेते हम लोग। सिमिलरली cos h ax आ गया तो इसका भी सेम फॉर्मूला, e raise to ax plus e raise to minus ax upon 2, सेम यहाँ पे आई नहीं लिया मैंने, कॉस के लिए प्लस होता है साइन के लिए माइनस होता है, और ट्रिगो में ऊपर पावर में आई आएगा, हाइपरबोलिक में पावर में आई नहीं आएगा, और सिर्फ ट्रिगो में यहाँ पे साइन के लिए आई होता है कॉस के लिए आई नहीं होता है। तो नॉर्मली ये हाइपरबोलिक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसका यूज कभी होगा आपको लैपलास वगैरह में होगा, बहुत जगह पे है, आपको अगर कन्वर्ट करना है तो ये यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। सो ये बेसिक ट्रिगो हो गया, बहुत कुछ है ट्रिगो में, लेकिन सब तो नहीं कवर कर सकता हूं, क्योंकि इतना कवर करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो बेटर मेरे हिसाब से आप इतना फॉर्मूला बाहर करोगे तो आपका 70-80% ट्रिगो का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कुछ सम क्वेश्चंस है वो आपको मे भी आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अगर पता नहीं है तो सब आपको कुछ वैल्यूज पता है ट्रिगो का, देखते हैं हम लोग। टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, इसका वैल्यू होता है पाई बाय 2, क्या होता है वैल्यू पाई बाय 2, ठीक है। देन और कौन सा वैल्यू, टैन इनवर्स ऑफ 1, इसका वैल्यू होता है पाई बाय 4, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। ऐसा बहुत कुछ वैल्यूज है, अभी मैं सब तो नहीं बता सकता, लेकिन ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर में नहीं मिलता तो ये भाइट करना है, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो। टैन इनवर्स ऑफ 1 लिया तो 45 डिग्री मिलेगा, 45 मतलब पाई बाय 4 होता है, पाई से 180, क्लियर है। सो ये बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है, इसका अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, और कभी अप्लाई करना है वो भी थोड़ा सा देख लो, और जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आ रहे तो साइड में लिखते जाओ, जितने बार आप लिखोगे उतना आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये पूरा अच्छे से लिख लो और बाहर कर लो।